त्यौहार के आते ही ना दिमाग में सबसे पहले आता है तो वो है मिठाई। नमकीन तो बाद में दिमाग में आता है, बट सबसे पहले ना मिठाई ही दिमाग में आती है। तो मैंने भी सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए कि खोए के गुलाब जामुन नहीं बनाए, तो बस अद्वीक को मैंने स्कूल ड्रॉप किया था तब आते आते ला लिया था ये खोया। ये खोया कम से कम 1 से 1.5 कप जितना होगा, या फिर 1.5 कप से थोड़ा सा कम, बट क्वांटिटी उतनी ही है। और थोड़ा सा ना मतलब 2 टेबलस्पून जितना ग्रेटेड इसमें पनीर मैंने ऐड किया। ये जो पनीर है ना ये मलाई पनीर है, तो खोए को ना थोड़ा सा हाथों से मसलिएगा, क्योंकि ये जो खोया है इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे से गुठलियाँ रहती हैं। और साथ ही में पनीर भी जो है वो ग्रेट करके पनीर के साथ अच्छे से उसे भी मसलना है। और उसके बाद मैदा कैसे ऐड करना है, 1-1 टेबल स्पून मैदा ऐड करिए और बस उसे मिलाते जाइए। अब मैदा कितना ऐड करना है, मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून ही मैदा ऐड किया है। उससे ज़्यादा मत ऐड कर देना, क्योंकि अगर ज़्यादा मैदा ऐड हो गया ना तो फिर जो हमारा गुलाब जामुन है वो एकदम कड़क कड़क सा होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। खोए का तो पूरा ही टेस्ट उसमें चला जाएगा। तो इतने मतलब 1 से 1.5 कप के खोए के लिए 5 से 6 टेबल स्पून जितना मैदा काफ़ी है। और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर भी लिया था। साथ में बना लेंगे चाशनी। चाशनी के लिए 3 कप मैंने शुगर लिया था और 2 से 2.5 कप मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था। थोड़े से केसर, थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा गुलाब जल, ऑफकोर्स उसके बिना तो गुलाब जामुन नहीं बन सकते। तो यहाँ पे जब आपकी चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो जाए तब तक मैंने चाशनी को अच्छे से पका लिया था। और बस तब तक के लिए डो भी जो है वो रेस्ट हो गया था, क्योंकि इस डो को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है जब आप खोए के गुलाब जामुन बनाते हैं ना, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने की वजह से थोड़ी सी रेस्टिंग बनती है। और बस इसके बॉल्स ना एकदम क्रैक फ्री बनाना, क्योंकि अगर क्रैक आ गया तो फिर जो आपका गुलाब जामुन है वो फटने के पूरे चांसेस रहते हैं। और इसे मीडियम टू लो हीट पे हम इसे अच्छे से आराम आराम से भून लेंगे, सॉरी पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा ना तब हमें इसे निकाल लेना है। इतने प्यारे प्यारे से दिख रहे थे ना ये गुलाब जामुन की मन कर रहा था कि बस ऐसे ही खा जाऊँ। और ट्रस्ट मी बहुत अच्छे लगते हैं खोए के गुलाब जामुन, प्रीमिक्स वाले से ज़्यादा अच्छे। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से फ्राई हो गए थे। अगर आपको काला जामुन बनाना है ना तो इस कलर के जब आ जाए तो आप बस 30 सेकंड के लिए फ्लेम को एकदम हाई पे कर देना, एकदम से कलर आ जाएगा गुलाब जामुन के ऊपर। और बस उसे निकाल के चाशनी में इमीडिएटली डिप कर देना। और चाशनी वार्म होनी चाहिए, हॉट नहीं। अगर हॉट रह गई ना तो आपके गुलाब जामुन एकदम से बैठ जाएंगे, मतलब पूरा ही वो फैल जाएगा चाशनी में। तो बस जो गुलाब जामुन है वो हो गए थे, तब तक हम यहाँ पे मलाई पनीर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, थोड़े से कैशू नट्स लिया है। कैशू नट्स नहीं है तो पीनट्स ले सकते हो। और उसे अच्छे से पीस लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था इसलिए मैंने अदरक लहसुन साथ में नहीं पीसा। और ये जो पैन देख रहे हो आप, इसमें मैंने अद्वीक को सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी ना तो उसमें थोड़ा सा ऑयल बच गया था, तो मैंने पैन को बस मतलब उसी पैन में ये सब्ज़ी आ रही हूँ। तो थोड़ा सा बटर डाल दिया था। और ये जो पनीर है वो मलाई पनीर है, क्योंकि शाही पनीर के लिए मलाई पनीर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और उसके बाद निकाल लिया था। और बस सेम पैन में ज़रा सा फिर से ऑयल ऐड कर दिया था। जो भी हमने सारे जो मसाले हैं वो पीसा था ना उन्हें अच्छे से भून लिया था। भुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब सारी चीज़ें हमने कच्ची ही ऐड किया था। और अगर आपने कच्ची ऐड नहीं किया है, ब्लांच करके ऐड किया है, तो आपको ज़्यादा एकदम भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पकी ही है। तो बस उसके बाद सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे और आपने जितना आपको पानी इसमें चाहिए उतना आप ऐड कर देना। और बहुत अच्छे से ना इसे पकाना ज़रूरी है। ये जो ग्रेवी है इसी पकाने या फिर भुनने के प्रोसेस में इसका जो टेस्ट है वो एनहांस होता है। अगर आपके पास मीठी वाली दही है, क्रीमी वाली, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी क्योंकि कैशू नट्स अपने आप में ही इतना क्रीमी और रिच लुक देता है ना ये सब्ज़ी को, बहुत बढ़िया लगती है साल। और लास्ट में ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, हरा धनिया
और बस सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और साथ में मैंने पूरियाँ बनाई थी और टाइम का इशू था इसलिए मैंने ज़्यादा एकदम कुछ चीज़ें नहीं बनाई, बट मेरे लिए ये जो थाली है वो कंप्लीट सेटिस्फाइंग वाली थाली है। तो बस यहाँ पे मैंने थाली को सर्व किया और सबको बहुत पसंद आई। तो कैसी लगी आज की ये थाली मुझे बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।